आज एक बार फिर से मध्य प्रदेश के जबलपुर में गैंग वॉर हुआ और इस गैंग वॉर में एक 25 साल के कुख्यात गैंगस्टर की हत्या कर दी गई। गैंग वॉर में मारा गया गैंगस्टर बेशक 25 साल का था, लेकिन इसके ऊपर मुकदमे इसकी उम्र से 4 गुना ज्यादा थे। ठीक मध्य प्रदेश के उज्जैन के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की तरह। तो कौन था ये गैंगस्टर जिसकी गैंग वॉर में आज सरेराह हत्या कर दी गई, बताएंगे आपको विस्तार से, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीएफ न्यूज। वैसे तो ज्यादातर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के गैंगस्टरों की चर्चा देश भर में होती है, लेकिन जब अपराध की बात आती है तो मध्य प्रदेश भी इससे छूटा नहीं है और आए दिन यहाँ के गैंगस्टर ऐसे ऐसी वारदातों को अंजाम दिया करते हैं और वो भी पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाते हैं। जैसे पिछले कुछ घटनाओं का अगर जिक्र किया जाए तो उज्जैन का दुर्लभ कश्यप, सागर का शिव प्रसाद धुर्वे और इंदौर का सलमान लाला, इन तीनों के कांड ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। गाहे वे गाहे इनकी चर्चा आज भी देखने और सुनने को मिल जाती है। खैर, हम आज के गैंग वॉर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर के इस खतरनाक गैंगस्टर को देखिए। इसका नाम है मानस उपाध्याय। इसकी उम्र है 25 साल। आज इसकी एक गैंग वॉर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मानस जबलपुर का कुख्यात गैंगस्टर था। मैच 25 साल के मृतक गैंगस्टर मानस के खिलाफ कई थानों में सैकड़ों मुकदमे दर्ज थे। पुलिस का कहना है कि मामले में मृतक और आरोपी दोनों ही शातिर बदमाश हैं। आरोपी की तलाश की जा रही है। शुरुआती जानकारी में जो बात निकलकर सामने आई है उसके हिसाब से गैंगस्टर मानस उपाध्याय युवाओं में काफी चर्चित था, ठीक वैसे ही जैसे दुर्लभ कश्यप हुआ करता था, और देखते ही देखते उसने अपनी एक गैंग खड़ी कर ली थी। इसी वजह से आए दिन विवाद लगातार देखने को मिलते थे। बीते हफ्ते मानस का दूसरी गैंग जिसका नाम है राजा सोनी, उससे विवाद हुआ और तभी से मानस को वो गैंग मारने के फिराक में था। इस पूरे मामले में एसएसपी संजय अग्रवाल ने कहा है कि मानस आईटी बस्ती में अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, तभी राजा ने उस पर फायरिंग कर दी। इस दौरान मानस के पेट में गोली लगी और वो बेहोश हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी और मृतक दोनों ही इलाके के कुख्यात बदमाश हैं, जिनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर मानस उपाध्याय की मौत के बाद सोशल मीडिया पर उसके कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो पुलिस के साथ कोर्ट और थाने से निकलते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें उसे एक गैंगस्टर की तरह दिखाया गया है। बहरहाल, मानस की मौत के बाद पुलिस आरोपी राजा सोनी की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरह से साल 2020 में उज्जैन के कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की हत्या हुई थी और देखते ही देखते ये उस साल का सबसे बड़ा और चर्चित हत्याकांड बन गया था, और ठीक वैसे ही गैंगस्टर मानस उपाध्याय जो 25 साल का था, 100 से ज्यादा मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे, उसकी आज दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। ये वाकई में कानून व्यवस्था पर कई बड़े सवाल तो खड़े करता ही है। ठीक ठीक ये भी बात निकलकर सामने आती है कि मध्य प्रदेश भी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के गैंगस्टरों की तरह इनके आतंक से कभी पीछे नहीं है। टीम बीटीएफ न्यूज़।